जी, मेरा नाम परवेज है। मैं फारुखाबाद अहमदनगर 95 से बोल रहा हूँ। एक्चुअली परसों हम गए थे, मेरा भतीजा है, उसको मैट्रिक में पास हो गया था, तो हम वहाँ पे गए थे इनको मुबारकबाद देने के लिए। तो जब हम नेक्स्ट डे वहाँ से लौट आए तो मैं एज यूजुअल अपने जॉब पे गया और मेरी जो मिसेज है वो भी ड्यूटी चली गई। तो फिर उन्होंने क्या किया, तो वो मेरे से पहले घर पहुँचे, तो उन्होंने मुझे फ़ोन किया कि परवेज साहब लॉक तो खुल रहा है लेकिन अंदर से मुझे लग रहा है कुंडी है। तो मैंने उसको बोला कुंडी कैसे हो सकती है, आप इसको थोड़ा सा पुश करो जोर से तो दरवाज़ा खुल जाएगा। तो उसको खुला नहीं, फिर उसने क्या किया, दो चार बार उसने उसको पैर से मारा, लात लाते मारी तो खुल गया। तो वो एज यूजल अपने वो किचन में चली गई चाय बनाने के लिए। तो जब मैं भी तब तक पहुँचा तो मैं देख रहा हूँ कि मैं हमाम में चला गया सीधा। तो मैंने नीचे देखा कि वहाँ पर रेत थी बहुत ज़्यादा, तो मैंने इसको बोला कि ये रेत कैसी है, उसने बोला मुझे नहीं बताया। तो फिर जब मैंने पर्दा हटाया कर्टन्स मैंने हटाए तो मैं देख रहा हूँ कि वहाँ पर जो जाली है खिड़की की वो उन्होंने काटी हुई थी। तो जो बाहर की जो खिड़की थी तो उन्होंने, उनके पास कोई वेपन था तो उसको उन्होंने वो खोलने की कोशिश की तो वो खुल गया है। तो मैंने उसको बुलाया, मिसेस को, मैंने बोला आप जल्दी आइए हम तो लुट चुके हैं। तो मैं जब बाहर निकला जल्दी जल्दी तो मैं सीढ़ी पर चढ़ गया, पहली सीढ़ी नहीं दूसरी सीढ़ी पर देख रहा हूँ उसके वो जो गोल्ड के जो पाउचेस होते हैं वो पड़े थे एक दो जगह। तो जब ऊपर चढ़ा तो वहाँ पर भी ऐसा ही दिखा। तो मैं डर के अपने बेडरूम में चला गया तो वहाँ पर मैं देख रहा हूँ कि सारा तहस नहस किया हुआ है, वार्डरूम को पता नहीं किसी चीज़ के साथ खोला हुआ है, तो उस कपड़े बाहर रखे हैं। तो उन्होंने सारा जितना भी एक बैग में गोल्ड था कम से कम वो 8 लाख रुपये का था और 63,000 कैश था वो भी लेके गए। इवन उन्होंने बच्चों की जो चॉकलेट्स होती है वो तक नहीं छोड़ी है। तो और दूसरी वहाँ पर हमारी वो इम्पोर्टेड एक ब्लैंकेट थी, बहुत अच्छी ब्लैंकेट थी वो, और बहुत सारी ब्लैंकेट थी वहाँ पर, 5-6 थी वहाँ पर, उन्होंने वो नहीं लिए लेकिन वही ब्लैंकेट उन्होंने वहाँ पर वो दे दिए। तो उसके बाद वो क्या किए, उन्होंने वो नीचे चले गए किचन में, फ्रिज से जूस निकाला, लेज खाए उन्होंने, तो आराम से उन्होंने चोरी करके वो निकल गए। तो उसी वक्त फिर मैंने यहाँ पर जो हमारा ये अहमदनगर का जो ये पुलिस चौकी है तो बहुत अच्छा उन्होंने, पुलिस ने वहाँ पर मैंने उनको फ़ोन किया, वो बहुत जल्दी आ गए। उन्होंने जिस तरह से उनको अपनी वो फॉर्मेलिटीज करनी थी, मतलब बहुत अच्छा रिस्पॉन्स दिया उन्होंने। इवन उन्होंने मतलब जो सस्पेक्ट्स थे उन्होंने उनको लाया, तफ्तीश किया, तो ठीक उन्होंने हमें बहुत ये आश्वासन दिया कि हम एक इंशाल्लाह इनको जल्दी पकड़ेंगे। तो मैं पुरजोर अपील करता हूँ, मैं IG साहब से रिक्वेस्ट करता हूँ कि प्लीज़ पुलिस तो अपना काम कर रही है लेकिन थोड़ा सा इसको क्लीनली देखें। और दूसरी बात, मैं इम्पॉर्टेंट बात आपके माध्यम से कहना चाहता हूँ कि ये जो यहाँ का जो एरिया है फारुखाबाद का, ये बिल्कुल ना यहाँ पे मतलब सुनसान लग रहा है। यहाँ पर हम देख रहे हैं, अगर आप देख सकते हैं ये कैमरा में दिखा सकते हैं, यहाँ पे शाम को लड़के आते हैं, दारू पीते हैं और नशा करते हैं। तो बहुत बार मैंने उनको समझाने की कोशिश की यहाँ पे ये सब मत करें आप, तो लेकिन पुलिस भी कई बार आ चुकी है जो यहाँ पर हमारी जो यहाँ चौकी है वो भी यहाँ पर, लेकिन बदकिस्मती की जब वो निकलते हैं तो उसके फौरन बाद वो दोबारा से यहाँ पर आते हैं, क्योंकि यहाँ से जुकुरा आता है, यहाँ से इंडस्ट्रियल स्टेट से वहाँ आते हैं, गुलाबबाग आता है, तो ये सारा एरिया यहाँ पर है। तो मैं IG सबसे ये भी अपील करना चाहता हूँ कि खासकर इस चीज़ को यहाँ पे इनको पेट्रोलिंग अगर किया करेंगे यहाँ पर सुबह शाम तो मेरे हिसाब से ये फिर ठीक हो जाएगा। तो और आपसे मुतवाना अपील करता हूँ कि जो हमारा ये लॉस हुआ है तो उसको ढूंढने की भरपूर कोशिश करें। थैंक यू वेरी मच। We'll be right back.